नमस्कार, नेशन वन के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लीली और रुक करते हैं खबरों का। कभी सपा की धड़कन हुआ करते अमर सिंह आज बीजेपी के गुणगान गाते दिखे। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान के खिलाफ राज्यसभा सांसद अमर सिंह एफआईआर यात्रा के दौरान मैनपुरी पहुंचे थे, जहां उनका समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। वहीं रामपुर के आजम खान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आजम पर सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने SC ST एक्ट का विरोध करने की बात कहते हुए इस एक्ट के द्वारा सवर्णों को भड़काने का इरादा भी बताया। हमने सुना है मैनपुरी और इन अंचलों में भी अगर मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को छेड़ते थे। मैं कोई सांप्रदायिक भाषण नहीं दे रहा हूँ। वहाँ पर प्रभारी मंत्री आजम था, उसने कहा रपट नहीं होता और लव जिहाद नहीं होता, वो रामपुर में बहुत होता है, तो कम से कम वो नहीं हो रहा है। तो आपके पास गरिमा से, स्वाभिमान से जीने का रास्ता है मोदी जी और योगी जी के राज्य, और अगर आप जिएंगे तब आप तेल की बात करेंगे और SC ST एक्ट की बात करेंगे। और सुन लीजिए, आपके प्रेस का उत्तर दे रहा हूँ, अब जमाना बदल गया है, हमारी बुद्धि है अच्छी, मैं ही ब्राह्मण हूँ, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए निकले हैं, हमारी भुजाएँ छत्री हैं, बुद्धि ब्राह्मण है। मैनपुरी से अवनीत मिश्रा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में नगर निकायों की अधिसूचना जारी होते ही जिले बागेश्वर में बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पहली बार बागेश्वर पहुंचे उत्तराखंड प्रभारी सुनील कुमार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड के सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं, नगर निगमों में पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी। प्रदेश प्रभारी का ये कहना है कि यह चुनाव बैलेट पेपर पर होने वाले हैं। बैलेट पेपर पर हमें विश्वास है कि कोई भी गड़बड़ चुनावों में नहीं होगी। अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड के स्थानीय निकाय के चुनाव में पूरी जोरदारी से सभी सीटों पर लड़ेगी, पूरी तैयारी से लड़ेगी। चुनाव में EVM से चुनाव नहीं होगा, ये बैलेट पेपर से होगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव 1 साल पहले हुआ था, जो EVM से हुए मेयर के चुनाव, उसमें बहुजन समाज पार्टी 2 जगह जीती, बाकी सीटों पर BJP जीती। लेकिन जो चेयरमैन के चुनाव हुए नगर पालिका के, नगर पंचायत के और वार्ड वाले, सभासद वाले, उन पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम स्थिति में जीत पाई और बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल बड़े पैमाने पर जीत के आए। बागेश्वर से हरीश नागर कोटी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे, यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह के नेतृत्व में आयोग की एक टीम गंगोत्री धाम पहुंची। इस दौरान प्रदेश वित्त मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आयोग के साथ बैठक में जनपद के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं जनपद की बुकलेट भी आयोग को प्रदान की गई। इसके उपरांत सभी अतिथियों द्वारा गंगा आरती कर मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। जो आपदा के चलते हुए अनेकों स्थान पर क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर जो हमारे वन के कारण, वन अधिनियम के चलते हुए और अन्य नियत प्रावधान है उनके चलते हुए रोक लगी है, उसको भी हम निस्तारित करवा रहे हैं। इसके साथ साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हमने सभी घाटों के निर्माण और जो श्रद्धा केंद्र हैं उनके निर्माण, शमशान घाट के निर्माण और हमारे जो सीवर और सीवरेज की योजनाएँ और उसके साथ साथ जो गंदे नाले हमारे माँ गंगा पर पड़ते हैं उनके टिपिंग का काम चल रहा है। चरण जो है आज उत्तरकाशी भ्रमण पर है और हमने उनके सामने अपने गंगोत्री विधानसभा और जनपद उत्तरकाशी की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, चाहे मोरी क्षेत्र के सेंचुरी की समस्या हो, चाहे उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा में इको सोशल जोन की समस्या हो, जितने भी काम हमारे से बाधित हो रहे हैं उन बाधितों समस्या उनके सामने रखी कि इनसे हम सड़कें नहीं बना पा रहे, पेयजल योजना और स्कूल के भवन नहीं बना पा रहे, तो सारी समस्या उनके सामने रखी। और गंगोत्री के अंदर जो सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको भी, जो भी हमारे नॉलेज, हम हमेशा जो इस बात को उठाते आए उसके बारे में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी से शांति टमटा की रिपोर्ट।
बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए AK-47 SLR की गोलियों और आर्म्स के साथ तीन कुख्यात गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें कि वांटेड अपराधी पप्पू पासवान को दिल्ली से अरेस्ट किया गया, ये पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। वहीं दूसरी ओर बलिया DSP अंजनी कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में आरोपी दिलीप यादव के घर से 210 राउंड गोली समेत एक देसी सिक्सर और चार पिस्तौल बरामद किए हैं। इसके अलावा SP अवकाश कुमार के निर्देश पर रामदीरी के पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह और कोर्ट कैंपस मामले का आरोपी गुलशन कुमार को 3 देसी कट्टा 23 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं SP ने कहा कि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कर आरोपियों को सजा दी जाएगी। बेगूसराय जिला पुलिस के द्वारा जो कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ और अवैध अग्निस्त्रों की बरामदगी के संबंधित अभियान चल रहा है, उसी क्रम में 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। एक पप्पू पासवान जो फुलवरिया का रहने वाला है, जो विगत 10 वर्षों से फरार चल रहा था, उसकी हत्या और अन्य जघन्य अपराधों में वांछित था, उसको दिल्ली से स्पेशल टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन पर करीब 1.5 दर्जन केसेस हैं। अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट परिसर में एक अपराध की घटना को कारित करने के उद्देश्य से कुछ अपराधी आए थे, उसमें एक फिरार हो गया था गुलशन कुमार, जिस पर भी करीब 0.5 दर्जन केसेस हैं पहले से। उससे पूछताछ के क्रम में हमें 3 देसी कट्टा, 21 .315 बोर की जिंदा गोलियां और 3.303 बोर की गोलियां जो प्रोहिबिटेड बोर है वो, और एक मोटरसाइकिल बरामद। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।